पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारी मुरादाबाद जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ ही सभी प्रकार के सरकारी बकाया की वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। साथ ही बिजली आपूर्ति सुचारू करने के अलावा सूखा से किसानों के हुए नुकसान के उचित मुआवजे की भी मांग की है। भाकियू अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष चौधरी यशपाल सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में पदाधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जिले में बारिश नहीं होने पर उसे सूखाग्रस्त होने संबंधी मंत्रणा की जाए और किसानों से होने वाली विभिन्न प्रकार की वसूली के संबंध में अलग अलग क्षेत्रों के किसानों से जानकारी ली जाए। किसको लेकर ऐसा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है? सबसे पहली मांग तो है कि जिले को हमारे सूखा घोषित किया गया है, क्योंकि किसानों की फसलें लगातार सूख गई। लगभग गन्ने में भी 50% का नुकसान है। और दूसरी मांग है जर्जर तारों की बिजली की समस्या है। बिजली बहुत कम आ रही है, ट्रिपिंग बहुत आ रही है, वोल्टेज लो वोल्टेज आ रहे हैं। तीसरी चीज है आवारा पशुओं की, जो सबसे ज्यादा आवारा पशु किसानों की जो फसल बची थी वो सब नुकसान कर रहे हैं। किसी का डंडा कोई किसान नहीं मार सकता, क्योंकि ये वो घूम रहे हैं। और ना कोई, सबसे बड़ी हमने पहले कमिश्नर साहब से ही मांग करी थी कि एक गौशाला एक बड़ी हमें दे दिया जाए कम से कम जिले में, जिसमें 2,500 पशु लगभग उसमें आ जाए। तब तक ही धरना जारी रहेगा। अभी तो एक दिवसीय है और अगर हमारी मांग नहीं पूरी करी गई तो हम लखनऊ कूच करेंगे।